सीरत पाक सीरत नबी का ग्रंथ, ये सीरत नबी के जलसे, सीरत नबी के प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस इसलिए की जाती है कि मिल्लत को अपने नबी से जोड़ा जाए, मिल्लत के हाथों में मजबूती के साथ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हो, आपकी मोहब्बत हो, आपकी सीरत के जलवे मुसलमानों की जिंदगियों में नजर आने लगे, यही है सीरत पाक का मकसद। दोस्तों, जब दुनिया के हालात सबसे ज्यादा खराब थे, जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आए और सबसे ज्यादा अच्छे हालात बन गए, ऐसे हालात न पहले कभी बने थे न बाद में कभी बने, तो दोस्तों आज भी जब हालात खराब है, बड़ी अजीब कैफियत है। मिल्लत जो है कश्मकशी के आलम में है, लेकिन इस वक्त भी अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के जलवे हमारी जिंदगी में आ जाए, तो इंशाल्लाह सीरत के जलवे के बहावन से हमारे हालात बहुत कुछ बदल जाएंगे। मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी और उस आयत में अल्लाह ताला ने हुजूर की सीरत बयान की, हुजूर के अखलाक को बयान किया। जरा सोचिएगा, हुजूर की कुरान हिदायत के लिए आया और उसमें हुजूर की सीरत अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, पता चला कि हुजूर की सीरत इंसानियत के लिए सरमाए हिदायत है, यही तो अल्लाह कुरान में इसका तज़किरा करते हैं। चुनांचे किसी शायर ने खूब कहा है, खुदा खुद जिनका शैदा हो, खुदा खुद जिनका शैदा हो उन्हें कहिए तो क्या कहिए, खुदा खुद जिनका शैदा हो उन्हें कहिए तो क्या कहिए, खुदा तो कह नहीं सकते हो महबूबे खुदा कहिए, वाह वाह, खुदा तो कह नहीं सकते हो महबूबे खुदा कहिए। दोस्तों, जो है दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं सबसे बड़ी इबादत है इंसान।
इंसान के दिल को खुश कर देना, इंसान के दिल को खुश कर देना। ऐलान से हुजूर तशरीफ लाए थे, फरमाया हाफिज की गाड़ी में दिल बदस्ता और के हक के अंदर, दिल बदस्ता और के हक के अंदर जी एक दिल अब हजारों काबा बेहतर दिल को दिलदारी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा दिलों को खुश करते हैं, जब कोई आता है तो ऐसी बात करते हो इसकी तबीयत खुश हो जाए। मजा मजा उसको कहते हैं कि आप किसी के सामने हंसी की बात करते हो उसकी तबीयत खुश हो जाए, लेकिन उस पर कोई तंदीर ना हो, उस पर कोई चोट ना हो, उस पर कोई हमला ना हो, बिल्कुल सादी सी बात कहते उसकी तबीयत खुश हो जाए। चुनांचे एक छोटा सा बच्चा है, उस लागले का पीड़िया भी मर गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या अबा उमैर मा फअलत उमैर, ऐ अबा उमैर तेरा नुमैर कहेंगे, बच्चे का दिल खुश कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमामुल अंबिया हैं, साहबे मेराज हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे की भी दिलदारी फरमाते हैं। दोस्तों मदीने में जो बच्चे चलते थे रास्ते में मिलते थे तो उनको बहुत फरमा देते थे, उनसे मोहब्बत फरमा देते थे, प्यार फरमा देते थे, क्योंकि मुहसिने इंसानियत है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी आए कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे सवारी के लिए ऊंट की जरूरत है। हुजूर की सखावत भी ऐसी है, इतनी जबरदस्त सखावत है, सहाबा कहते हैं साल भर सखावत चलती थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और रमजान मुबारक जब आता था तो आपकी सखावत आंधी की तरह, आंधी और तूफान की तरह हुजूर की सखावत चलती थी, जितने जो मांगा उसको वो पा गया। चुनांचे वो आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे सवारी के लिए ऊंट की जरूरत है। हुजूर ने उस वक्त भी मजाक फरमाया, कहा मैं आपको ऊंटनी का एक बच्चा दे दूंगा, मैं आपको ऊंटनी का एक बच्चा दे दूंगा। वो साहब समझ नहीं सके, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं ऊंटनी का बच्चा लेकर क्या करूँ, मुझे तो सवारी की जरूरत है। तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के बंदे गौर करता, हर ऊंटनी हर ऊंट चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए ऊंटनी का बच्चा ही रहेगा। ले लिया दिल ने कुछ कर दिया। दोस्तों हम भी एक होते नहीं है इंशाल्लाह, मैदान मकसद हमारे आपके हुजूर के पास है, वो हुजूर हमारी दिलदारी फरमाए, वो हुजूर हमारी सफाई फरमाए, अपने मुबारक हाथों से आगे कौशल से फरमाए, और इंशाल्लाह जो हुजूर के दीन के दिलों पे लगे हुए लोग हैं वो इंशाल्लाह मैदान मकसद हुजूर के दिलों में चलेंगे, हुजूर के साथ चलेंगे, हुजूर के सुनने में चलेंगे, हुजूर के दुआओं में चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हुजूर से सच्चा शरफ नसीब फरमाए। अपने बाप अपने माँ बाप के घर को छोड़कर तुम्हारे हाथों में
मुसलमान को तलकीन की जा रही है उनके साथ अच्छा सलूक करो, जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के मोहसिन नहीं है, सारे कायनात को और पूरे कायनात का जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो सबक दिया है, वो पैगाम दिया है। उस पैगाम को अगर हमने तैयार करें तो दुनिया अमन सुकून का घराना बन जाए, मोहब्बत का मर्डर बन जाए। हुजूर कहते हैं किसी को दूध पीने के लिए अंधा अपनी बकरी किसी को दूध पीने के लिए दे दे उसकी जन्नत के आगे जन्नत के आगे दर्द था किसी का, किसी गरीब को दे दिया अपनी तरफ से फल खा लेगा, जब फल खत्म हो जाएगा मुझे वापस कर देगा, बहुत बड़ा तोहफा है। इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जंगल की जमीन, जंगल की जमीन अगर कोई जिंदा करता है उसको खेती के लायक बनाता है उससे इंसानियत को बदला जाना है। अल्लाह ताला इन अरबी मदरसों